हेलो टू ऑल माई डियर लर्नर्स कैसे हैं आप लोग सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया हो खुश हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे लेकर चल रहे हो सो नाउ माई डियर फ्रेंड हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑफ यू क्योंकि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है अब इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बेसिकली अगर मैं इंजीनियर्स के लिए बात करूँ तो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के जॉब के लिए वैकेंसी निकाली है जहाँ पे अगर मैं सिविल के लिए बात करता हूँ तो टोटल तो फोर्टी वैकेंसीज है मैकेनिकल वालों के लिए थर्टी है आई डी कंप्यूटर साइंस के लिए ट्वेंटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फिफ्टीन है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टेन है मेटलर्जी के लिए आपको फाइव है फाइनेंस के लिए ट्वेंटी एंड एच आर के लिए आपका टेन वैकेंसीज निकला है अब अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको बी टेक आपका किया हो या बी ई आपका किया हो इन द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस आपका फाइव ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो या डुअल डिग्री प्रोग्राम आपने किया हो इन द इंजीनियर टेक्नोलॉजी इन द ऑफ योर रेस्पेक्टिव दैट इज सिविल और मैकेनिकल और आई टी एलेक्ट्रिकल और केमिकल अगर हम बात करते हैं अपर एज का जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो अगर आप एक सेप्टेम्बर उन्नीस से पहले हो ठीक है डैट इज़ ट्वेंटी सेवन ईयर्स का आपका एज आप पे पहले हो मतलब अगर आपका इस डेट से बाद आपका बॉन्ड हुआ है तो मेरे दोस्त आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो हाँ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन इंजीनियरिंग ठीक है यू हैव टू इयर्स फुल टाइम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए अपर एज लिमिट जो सेट किया हुआ है डैट इज़ ट्वेंटी नाइन ईयर्स अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर क्या ये एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द अदर कैटेगरीज तो आंसर इज यस एकदम मिलेगा बट बिफोर डैट अगर आप मैकेनिकल में इन सब ब्रांचेस से न, आपने बीटेक किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल में इन सब ब्रांचेस आपने किया हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो सिविल वाले ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग केमिकल वाले ओनली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल मेटलर्जी के लिए भी देर आर वेरियस ऑप्शंस अब अगर हम एज रिलैक्सेशन पे आते हैं तो आप अगर एस सी से बिलोंग करते हो फाइव ईयर्स का एज रिलेक्सेशन है ओ के लिए थ्री ईयर्स है अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो आपको टेन ईयर्स का एज रिलेक्सेशन फॉर द जनरल थर्टीन फॉर ओ बी सी नॉन क्रिमिलियर एंड फिफ्टीन फॉर एस सी नाउ फर्दर इफ आई टॉक वट विल बी द सेलेक्शन प्रोसेस तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा क्लियर बोला इट इज़ नॉट थ्रू द गेट या आपका सेपरेट एग्जाम होने वाला है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका पांच गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 75 फाइव परसेंट वेटेज आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को दिया जाएगा एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट आपके इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा जो बेस पे रहने वाला आपका वो फिफ्टी थाउजेंड से वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है ट्रेनिंग के दौरान और अगर आप जाते हो आप फाइनल रिक्रूट हो जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द ट्रेनिंग तो उसके बाद आपका जो बेस पे बन जाएगा दैट इज सिक्सटी थाउजेंड टू वन लैख एटी थाउजेंड मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग एंड माय डियर फ्रेंड आपका जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है फॉर अनरिजर्व ई डब्ल्यू एस एंड ओ विल बी फाइव एप्लीकेशन फी एंड थ्री प्लस जी विल बी द प्रोसेसिंग फी एस सी एस और एच सर्विस मैन को एप्लीकेशन फी नहीं भरना है उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फी देना होगा अब अगर हम लास्ट आपको बात करते हैं कि इसका आ, सर फॉर्म कब से शुरू होने वाला तो आज से वो शुरू हो रहा है दैट इज़ थर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर विल बी फॉर्म विल बी स्टार्टेड और uh, मेरे दोस्त आई थिंक शुरू हो चुका है क्योंकि 10 बजे फॉर्म निकलना था और क्लोजिंग डेट विल बी फोर्थ ऑफ अक्टूबर 5 पीएम तो जल्दी से जल्दी भर देंगे फॉर्म को है ना एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेरे दोस्त बहुत दिन नहीं है आपका थर्टी ऑफ अक्टूबर फर्स्ट और सेकेंड नवम्बर इनमें से कोई भी दिन आपको मिल सकता है तो एडमिट कार्ड आपको इशू हो जाएगा अब सर एक बात आप जो सवाल पूछते हो कि सर पैटर्न क्या रहने वाला है क्वेश्चन का तो वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सेक्शन वन विल बी कंसिडर ऑफ टेक्निकल वन ट्वेंटी क्वेश्चन पर क्वेश्चन वन मार्क अगर हम बात करता हूँ रीजनिंग विल बी द सेक्शन टू फिफ्टी मार्क्स का रहेगा जनरल नॉलेज ट्वेंटी मार्क्स का एंड जनरल इंग्लिश फिफ्टी मार्क्स का तो टोटल टू फोर्टी होने वाले तो तैयारी जम के करनी है मेहनत जम के करना है रिजल्ट आपका होगा बाकी मेरे दोस्त कंटिन्यूअस अपडेट लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे फॉर द कंटिन्यूस नोटिफिकेशन एंड अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर तो बनता है मेरे दोस्त